हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज का वीडियो मेरा स्किन केयर के 3 स्टेप पे है जो मैं बीटरूट के साथ करने वाली हूँ। आप जब भी स्किन केयर करने जाते हो तो मेक श्योर आपके हैंड जो है वो वॉश होने चाहिए अच्छे से, फिर आपको फेस वॉश करना है अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो पहला है वो क्लेंजिंग है, क्लेंजर। तो क्लेंजर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिया है रॉ मिल्क, बेसन और कुछ ड्रॉप बीटरूट के। तो बीटरूट का जो है वो मैं जूस निकालने वाली हूँ। जूस निकालने के बाद जो बीटरूट बचता है उसको मैं साइड में यूज़ करने के लिए रखूँगी। तो जो ये बेसन और जो रॉ मिल्क है वो अपने आप में ही बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा सा क्लेंजर है। जो ये क्लेंजर है ऑल नेचुरल है और बहुत ही अच्छे से आपके स्किन की डर्ट पॉल्यूशन को निकालता है। आपको इसको एटलीस्ट 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में फेस पे अच्छे से लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये आपके स्किन में जितनी भी डर्ट और पॉल्यूशन होगी उसको निकाल लेगा, एक्सेसिव ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। तो बीटरूट मेरा मेन इंग्रेडिएंट ही बीटरूट है इसमें। तो मैं बीटरूट से स्किन को ग्लो कैसे करते हैं तो वो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। तो उसके बाद मैंने ये फेस वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मुझे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है। तो मेरा जो सेकंड स्टेप है वो है एक्सफोलिएशन। तो उसका इंग्रेडिएंट आपको मेंशन है और मैं कैसे कर रही हूँ वो आपको वीडियो में दिख रहा है। तो ये जो मैंने बीटरूट बचा हुआ मेरा बीटरूट था वो मैंने रखा था साइड में। तो इसमें आपको हनी ऐड करना है, शुगर थोड़ा सा क्रश करके उसमें ऐड करना है। उसके बाद आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने स्किन पे इसको स्क्रब करना है, और स्क्रब बहुत ही हल्के हाथों से और 5 मिनट तक करना आपको आपके फेस पे। और ज़्यादा स्क्रब भी अच्छा नहीं होता है फेस पे। और कब कब करना चाहिए आपको एक्सफोलिएट आपकी स्किन पर तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्क्रबिंग आपको 7 डेज में एक बार करनी चाहिए अपने फेस पे। ज़्यादा स्क्रबिंग भी अच्छा नहीं होता आपके फेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने हनी लिया है। हनी आपकी स्किन को सफल सॉफ्ट एंड मॉइस्चर लॉक करता है, और जो शुगर है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। और बीटरूट के जो मेन मेरा इंग्रेडिएंट बीटरूट है, तो यहाँ पे इसके जो बेनिफिट हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स है वो मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ। 5 मिनट तक मैं इसको स्क्रब करने के बाद अपना वॉश कर दूँगी फेस। वॉश करने के बाद मुझे जो स्किन है मेरी एकदम बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सफल लग रही है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो चलिए तीसरे स्टेप पे मूव करते हैं। तो तीसरा स्टेप जो है वो है मेरा फेस पैक। फेस पैक के लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट आपको मेंशन है और मैं कैसे बना रही हूँ वो भी आप देख सकते हो। फिर भी बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने मसूर दाल आटा लिया है, 2 टीस्पून रॉ मिल्क लिया है, एंड बीटरूट जूस एंड रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मैंने खुद DIY घर पे बनाया हुआ है, वो भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी किस तरीके से बनाना है। प्योर रोज़ वाटर है। तो यहाँ पे फेस पैक लगाने के बाद आपको 10 मिनट तक रखना अपने फेस पे इसको, और ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा, और स्किन में एकदम से जान आ जाती है वैसा मुझे तो फील हो रहा है अब तक। और लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो स्किन केयर करते टाइम बस ध्यान रखें कि ज़्यादा ना हो जाए टाइमिंग, जैसे कि स्क्रबिंग करते हुए आपको एटलीस्ट 5 मिनट तक, क्लेंजिंग 2 मिनट तक, और यहाँ पे मैं फेस पैक भी 10 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हो मेरे फेस पे जो शाइन है और जो ग्लो है वो आपको लाइव दिख रहा है। ये जो 3 स्टेप थे बहुत ही अच्छे थे बीटरूट के। तो आप भी ट्राई करिए घर पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली गाइस। ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप देना ना भूलें मुझे, और अगर ये आपको स्टेप्स कैसे लगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ रहिए।